हेलो दोस्तों, तो हम लोग एक छोटी सी वेकेशन पे जा रहे थे। सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं। अगर आप फ्री हैं तो आ जाइए। हाँ जी, तो सुबह उठें और लंदन विक्टोरिया स्टेशन के लिए ट्यूब पकड़ें, काउंटर से अपनी टिकट्स लें और ट्रेन का वेट करें। जाने को तो आप और भी स्टेशन से जा सकते हैं, पर लंदन विक्टोरिया स्टेशन पे ना आना और यहाँ की खूबसूरती को मिस करना एक बेवकूफ़ी होगी। देखिए, मैं तो कहूँगा कि विक्टोरिया स्टेशन से ही कैंटरबरी के लिए ट्रेन लें। बाकी आपकी मर्जी, जैसा करना चाहें वैसा करें। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो गेट क्रॉस कर लें। 5 साल से छोटे बच्चों का ट्रैवल फ्री है, और अगर आपको ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही हो तो ट्रेन दिखने पे पाउट कर सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा। ट्रेन चलते ही बच्चों और बुजुर्गों की पेट पूजा करवा दें, इससे वो बिजी भी रहेंगे और आप शांति से सफर एंजॉय कर पाएंगे। रुको रुको, चीकू को कैसे भूल गए, उसको भी कुछ खिला दें। और जब आप अच्छे से सेटल हो जाएं, तब आराम से यूके की ब्यूटीफुल लैंडस्केप को अप्रिशिएट करें। कैंटरबरी में आपका स्वागत है। अगर आपको भी मॉडलिंग का कीड़ा काटता है और रैंप खाली मिल जाए तो हिचकिचाइए नहीं, पोज कर ही लें। अब जब इतना कर ही लिया तो एक दो रील्स भी बना लें। जब जिंदगी आपके सामने दो रास्ते रखे तो वही करें जो आपका दिल करने को बोले। मैं दिल की सुनने ही वाला था कि तभी बीवी की आवाज आई, हम राइट साइड चलते हैं। देखो, बीवी की बात मान लिया करो, बाकी अगर आप ज्यादा एडवेंचरस हैं तो आपकी मर्जी। एंड ऑब्वियसली हर डिसीजन वॉज राइट। ये है जी कैंटरबरी, है ना खूबसूरत। अब इतना घूमने के बाद अगर बच्चे थक जाएं तो उन्हें रिचार्ज करने के लिए थोड़ा मीठा खिला दें और टूर कंटिन्यू रखें। यह बिल्डिंग किसी जमाने में एक जेल हुआ करती थी और यहाँ पर क्रिमिनल्स की खूब खातिरदारी की जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ टूरिस्ट की सेवा की जाती है। अब कैंटरबरी आए हैं तो यहाँ पे खाना ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट एक ट्राई तो बनता है ना बॉस। पेट पूजा हो जाए तो घूमना रेज्यूम करें, और अगर महंगे और फैंसी खाने से पेट ना भरे तो स्टेशन के कैफे से कुछ स्नैक्स खरीदें और डोवर की ट्रेन का वेट करें। आई टेक माई वर्ड्स बैक, बच्चों को मीठा ना ही खिलाएं तो बेहतर है, वरना वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। डोवर इज रियली ब्यूटीफुल, और अगर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक रात डोवर में स्टे करें, क्योंकि नन्ही टांगों को आराम की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था which was on the foothills of famous white cliffs of Dover. चलिए आपको घर का टूर ही करवा देते हैं।
एक मुफ्त का सजेशन देता हूँ, अपने फ़ोन को बच्चों से बचा कर रखें, वरना फ़ोन का ऐसा हशर हो सकता है। खैर छोड़ें, जो हुआ सो हुआ। अब पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करें और रेस्ट करें, बाकी का घूमना अगले दिन पर छोड़ दें। नया दिन और डबल एक्साइटमेंट। दिन की शुरुआत सुबह उठकर एयरबीएनबी की बालकनी से पहाड़ चढ़कर शुरू करें और हार्बर का व्यू एंजॉय करें। और अगर दूर से कुछ कमी लगे तो वहीं पहुंच जाएं, ज्यादा दूर थोड़ी ना है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। बच्चे जिद ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो किसी तरह इनको बहला फुसला कर एयरबीएनबी वापस लेके जाएं और जल्दी से मत सा ब्रेकफास्ट कर लें। फिर चेकआउट करें और निकल जाएं डोवर दर्शन के लिए। डोवर मशहूर है अपनी वाइट क्लिप्स के लिए, तो अपने ट्रैकिंग शूज निकालें और निकल जाएं ट्रैक के लिए। फिर चलें डोवर कैसल की तरफ। ये कैसल इंग्लैंड की सबसे बड़ी कैसल्स में से एक है और इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि इस कैसल को की टू इंग्लैंड भी कहा जाता है। फाइनली थक हार कर आ जाएं डोवर बीच पर, जो कि एक पेबल बीच है। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजें ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा साथ रहती हैं। बस इन्हीं यादों को संजोड़ते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने सजेशन या एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।